से लोगों के कमेंट आते हैं कि धान की फसल में बालियां निकलते समय हमें कौन सा खाद देना चाहिए, क्या डालना चाहिए ताकि हमारी बालियां अच्छी तरीके से निकल सकें और जो भी बालियां निकलें उनमें दाने भरपूर तरीके से ऊपर नीचे से नीचे तक आपके बालियां जो हैं दाने से भरा रहे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि धान की फसल में बालियाँ निकलते समय हमें क्या क्या डालना चाहिए, कौन सी खादें देने चाहिए, जिससे बचना चाहिए, क्या हम डाल सकते हैं क्या नहीं डाल सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको अच्छी धान संबंधित खेती या फिर अन्य संबंधित खेती के बारे में जानकारी मिल सके जिससे कि आपकी खेती से नॉलेज बढ़ सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई हमारे इस समय पर सागरिका, बायोविटा, NPK, पोटाश, जिंक ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो क्या उन्हें डालना चाहिए? दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम इसे डाल सकते हैं, इसे बेहतर डाल सकते हैं। क्या हम इस समय पर सागरिका, बायोविटा, NPK, पोटाश, सल्फर, DAP, यूरिया, बहुत सारी खादें हमारी होती हैं, इनको हम डाल सकते हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी धान की जो हमारी फसल है वो गबड़ अवस्था में आने वाली है, इसलिए किसान भाइयों के यहाँ पर बातें निकल चुकी होंगी, बालियाँ निकल चुकी होंगी, लेकिन हमारी खेतों में जैसे बात करें तो बालियाँ निकलने की अवस्था में कुछ खेतों में बालियाँ निकल आई हैं तो कुछ खेतों में बालियाँ निकलना बाकी है। तो जो हम गबोड़ अवस्था में अगर हम सागरिका होगा या फिर अन्य कोई बायोविटा या फिर कोई अन्य उसमें कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं, चाहे जो भी ग्रोथ प्रमोटर हो, तो क्या हमें उससे फ़ायदा कोई मिलने वाला है? दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जो ग्रोथ प्रमोटर का काम होता है पौधे में बढ़वा लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, पौधे में नए कल्लों का विकास करवाने में मदद करना है। तो दोस्तों, इस समय पर हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस समय पर हमें चाहिए कि धान फसल में बालियाँ अच्छे से निकल सके, पौधे की बढ़वार उच्च उतने अच्छी तरीके से माने नहीं रखती है। अगर हमारा पौधा साथियों अपनी बढ़वार में सारी एनर्जी खर्च कर देगा तो हमारी जो बालियाँ निकलेंगी वो छोटी निकलेंगी और बालियों में जो दाने आएंगे वो भी खाली रह जाएंगे। तो इस समय पर हम दोस्तों बात करें तो जो हमारी धान की फसल में गबड़ अवस्था होती है, यानी कि जो हमारी बालियाँ निकलने वाली अवस्था होती है, अगर हम उस समय पर धान की फसल में ग्रोथ प्रमोटर डाल देते हैं तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि काम नहीं करेगा, काम करेगा दोस्तों, लेकिन आपके पौधे की बढ़वार को बढ़ा देगा जिससे कि आपका फायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, आपका नुकसान ही हो जाएगा। आपकी जो बालियाँ हैं दोस्तों वो छोटी रह जाएंगी जब आपकी फसल बढ़ने लगेगी, तो इसमें बालियाँ निकलने वाली अवस्था है वो बालियाँ जो है आपकी छोटी रह सकती हैं। तो इसलिए आपको दोस्तों गबोड़ अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको ग्रोथ प्रमोटर बिल्कुल भी अपने धान की फसल में इस्तेमाल नहीं करना है। आप पहले इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों, हाँ अभी आप इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आपकी फसल में आपने काफ़ी देर से बोई की थी, आपके पौधे जो हैं काफ़ी कमजोर होते और जब धान पर फसल में बालियाँ निकलने वाली अवस्था नहीं हो, तो उस समय पर अभी भी आप NPK ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई हैं जो काफ़ी लेट धान की बोई करते हैं, उनकी फसल 40 दिन या फिर उससे कम की है तो वो किसान भाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों की फसल लगभग 50 से 60 दिन की होने वाली है। तो अगर आपकी फसल अभी भी 40-45 दिन की है तो आप कर लीजिए ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल, वहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर अभी भी आपकी फसल 60 दिन, 70 दिन या फिर 80 दिन की होने वाली है तो आप धान की फसल में आपकी बालियाँ निकलने वाली है, तो इस समय पर आप किसी भी प्रकार का ग्रोथ प्रमोटर अपने धान की फसल पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इससे आपके दाने हल्के रह जाएंगे दोस्तों, आपके पौधे तो बढ़ जाएंगे लेकिन पौधे की जो बालियाँ हैं वो कमज़ोर रह जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बात आपको और बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। जो किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि क्या हम धान की फसल में NPK, DAP, सल्फर, जिंक, पोटाश हो गया, बहुत सारे हमारे फंगिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सबको क्या हम एक साथ दे सकते हैं खेतों में? तो मैं आपको बता दूँ, इन सारी चीज़ों को एक साथ आपको प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इसको प्रयोग बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना करके प्रयोग कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी फसल पर वो नुकसान कर जाता है। अगर कई बार नुकसान नहीं भी करता है दोस्तों, तो उसमें जो तत्व होते हैं उनमें कमी जाती है, आपस में रिएक्शन कर जाते हैं भले ही वो नुकसान ना करें। तो इसलिए आपको हमेशा ज्यादा कॉम्बिनेशन के साथ बिल्कुल भी नहीं चलना है। अगर आप कोई खाद देना चाहते हैं, कोई फंगिसाइड देना चाहते हैं, तो अगर आप अलग अलग यूज कर सकते हैं दोस्तों तो अलग अलग करिए, नहीं तो ज्यादातर आप 2 या 3 दोस्तों चीज़ें एक साथ मिलाकर के यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आप चीज़ मिलाकर के यूज़ नहीं करना है साथियों, हमेशा कम यूज़ करें। तो आज की इस वीडियो पर हम टॉपिक लौटते हैं, तो धान की फसल में बाली निकलते समय आपको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है साथियों फॉस्फोरस और पोटाश की। अगर इस समय पर फॉस्फोरस और पोटाश की पूर्ति आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते, कमी रह जाती है दोस्तों, तो आपकी जो धान फसल में बालियां निकलती हैं वो काफ़ी कमज़ोर रह जाती है। इसके साथ बालियों में दाने अच्छी तरीके से नहीं भर पाते हैं, उत्पादन आपकी काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ बहुत सारे आपके जो दाने होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फुटाव नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको इस समय पर ना ही तो फॉस्फोरस की कमी आपको देनी है, इसके साथ ना ही पोटाश की कमी होने देनी है। अगर आपकी धान फसल अभी उसमें बालियाँ नहीं निकली हैं तब की मैं बात करूँ, तो दोस्तों बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि जिनके धान की फसल में अभी बालियाँ नहीं निकली हैं, बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे कि जहाँ पर थोड़ी थोड़ी बालियाँ जो है एक दो पौधे में आपको नजर आने लगी हैं,
3-4% यानी कि 1-2% बालियां निकली हुई है, तो इसको हम बात करें तो बालियां निकलने से पहले जो गर्भावस्था हमारी होती है उस समय पर अगर हम पोटास कृषक फॉस्फोरस खाद अगर सही ढंग से देते हैं, इसकी कमी नहीं होने देते हैं, तो साथियों अच्छे से हमारे धान फसल में निकलते हैं, लंबी बालियां निकलती हैं, इसके साथ साथ हमारी जो उत्पादन बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर देना होगा एनपीके 0.34 का इस्तेमाल आपको अपने धान फसल पर करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है और आपको ऐड करने वाला हूँ कि धान की फसल में गबोड़ अवस्था में अगर आप एनपीके के साथ में दोस्तों जो हमारी बोरोन खाद होती है इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो काफ़ी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा पौधे में अच्छी तरीके से बालियाँ निकल पाती हैं, बालियाँ आपकी भरपूर निकल पाती है दोस्तों। बोरोन खास करके काम होता है कि इसके ऊपर मैंने पिछले बार वीडियो बनाया, अगर आप सभी ने वीडियो मेरी नहीं देखी तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ वहाँ से देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाइए वहाँ पर आप वो वीडियो देख सकते हैं कि बोरोन खाद का महत्व क्या होता है, काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट खाद ये हमारी है। साथियों थोड़ा सा बहुत बता दूं, बोरॉन खाद जो हमारी होती है इसका मेन काम होता है पॉलिनेशन में मदद करता है, यानी कि परागण में मदद करना है आपके पौधे में। साथियों जो धान की फसल में बालियां निकलती हैं जिसमें फूल बनते हैं दोस्तों, फूल से जो फल बनने वाली प्रक्रिया होती है, धान की फसल में दाना बनने वाली प्रक्रिया होती है, इसमें काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों पौधे के सभी अंगों तक आपके जो सारे पोषक तत्व होते हैं यानी कि जो सारे आप उसमें खाद पानी डालते हैं उसको पहुँचाने में मदद करता है, इसका बहुत ही जरूरी काम होता है। इसलिए हमें इस समय पर एनपी के साथ साथ में बोरॉन खाद भी दे देना चाहिए। बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे होंगे कि जिन्होंने अभी धान फसल में यूरिया नहीं दे पाई, किसी कारणों से आपने नहीं दे पाए, तो दोस्तों अगर आपके धान के पत्ते भी पीले नजर आ रहे हैं साथियों, पौधा आपका हल्का दिखाई दे रहा है, पौधे में आपके जो बात करें तो नाइट्रोजन जो इसकी कमी नजर आ रही है, तो साथियों आप इस समय पर यूरिया भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मात्रा के बारे में आपको बता दें, ये मात्रा आपको समय पर लेना है जब धान की फसल में गबोड़ अवस्था होती है यानी कि बालियाँ निकलने वाली अवस्था होती है, तो साथियों समय पर आपको एनपीके 0.34 या इसमें 52% फॉस्फोरस 34% पोटाश देखने को मिलता है साथियों, इसको आपको देना होगा 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पर मैं मात्रा आपको बता रहा हूँ तो दोस्तों 1.5 kg आपको प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों एनपीके 0.34 यहाँ पर देना है। इसके साथ में आपको यहाँ पर एनपीके देना के अलावा देना होगा बोरॉन खाद, बोरॉन खाद प्रति एकड़ सर देना होगा 125 ग्राम 125 ग्राम अगर आपके पत्ते पीले पड़े हैं, आपके खेतों में नाइट्रोजन की कमी नजर आ रही और गबोड़ अवस्था है, तो साथियों आपको यूरिया खाद देनी है 1.5 किलोग्राम यानी 1.5% आपको ग्राम देनी होगी यूरिया खाद, इन तीनों को आपको देना होता है। साथियों जब आपके धान फसल में बालियाँ निकलने वाली अवस्था होती है गबोड़ अवस्था, अगर हम पानी की बात करें तो आपको साथियों 160 से 170 लीटर पानी में घोल बना करके आपको इसका स्प्रे अपने धान की फसल पर करवा देना होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हो दोस्तों तो आपकी धान की फसल की बालियां अच्छे से निकल पाती हैं, बालियां भरपूर निकलती हैं, दाने जो आते हैं वो अच्छे आते हैं और इसके साथ साथ ऊपर से नीचे तक जो दाना आपको होता है साथियों भरा रहता है बालियों में, बालियाँ आपकी मोटी घनी वजनदार आती हैं। तो दोस्तों बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे कि जहाँ पर बालियाँ अधिक मात्रा में निकल चुकी है यानी कि काफ़ी जल्दी उन्होंने धान की रोपाई कर दी थी, बहुत अल्ले धान की रोपाई कर देती थी, अगर आपके धान फसल में बालियाँ निकल आई तो आपको ये नहीं देना है, बालियाँ निकलने के बाद आपको देना चाहिए एनपीके 0.50 इसमें 50% पोटेशियम देखने को मिलता है साथियों। बात करें समय पर अगर आप धान फसल में बालियाँ निकलने के बाद ये खाद देते हैं तो दोस्तों आपके जो दाने होते हैं दोस्तों वो भर जाते हैं, अगर आपको दूध अवस्था में देते हैं तो दाने अच्छे से भर जाते हैं, दाने अच्छे से पूरे से ऊपर से नीचे तक भरे रहेंगे, कोई भी दाना साथियों आपका खाली बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो साथियों अगर आप भी अभी मान लीजिए कि अगर आप जो गबोड़ अवस्था में एनपीके 0.34 दिया है, इसके साथ साथ बोरॉन खाद उसके साथ दे दिए और उसके साथ आपने यूरिया की कमी है साथियों तो यूरिया भी दे दिए, तो इसके बाद में साथियों आपको जब आपकी धान फसल में बालियाँ निकल जाती है तो फिर से आपको देना चाहिए साथियों एनपीके 0.50 को, इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद ही करना है, पहले नहीं करना है। एनपीके 0.34 का उपयोग हमेशा बालियाँ निकलने से पहले करना है। यहाँ पर मैंने जो बोरॉन की मात्रा साथियों आपको 100 ग्राम तक ही रखनी है, 150 ग्राम तक रख सकते हैं, अधिक मात्रा में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना, अगर गलती से भी ज्यादा मात्रा में आप उपयोग कर देते हैं तो आपको पत्ते जलने लगेंगे, झुलसने लगेंगे, तो आपको भारी नुकसान देखने को मिलेगा, तो इस समय पर उपयोग नहीं करना है बोरॉन को साथियों, ज्यादा हार्ड मीडियम उपयोग करना है साथियों। उम्मीद करता हूं आपकी जानकारी पसंद आएगी, वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।